स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो चलिए आज अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम होटल स्टाइल फ्राइड कॉर्न बनाएंगे। इसे हम स्नैक्स में, किसी भी ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और जब मन करे तभी भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राइड कॉर्न बनाने के लिए मैंने 1.5 कप कॉर्न लिए हैं फ्रोजन। तो चलिए इन्हें हम सबसे पहले बॉयल करेंगे। तो एक मैंने पैन के अंदर 1.25 लीटर के लगभग पानी रख दिया है, 4 से 5 कप पानी अच्छे से गर्म हो रहा है। इसमें हम कॉर्न डाल देंगे और इनको हम कम से कम 5 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। मीडियम कर देंगे फ्लेम को और अच्छे से पूरे बॉयल करेंगे। तो अभी हम चेक करेंगे, 5 मिनट हो चुके हैं कॉर्न उबले या नहीं। तो ये देखिए कॉर्न अच्छे से उबल चुके हैं, सारे फूल के ऊपर आ गए, मतलब उबलने के बाद ऊपर आ गए हैं। तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये सारे कॉर्न इसमें से निकाल लूंगी। तो मैंने इसमें छान लेंगे इनको, सारा पानी निकाल देंगे और इनको हम ठंडा होने देंगे। तो हमने एक टावल ले लिया, छोटा सा किचन टावल, और इस पर हम इनको एकदम सूखा कर लेंगे। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इस तरीके से, कि जब इसमें हम मैदा और अरारोट या कॉर्नफ्लावर मिलाएं तो वो गीला ना हो जाए। तो ये देखिए एकदम सूखा कर लिया, मैंने सूखा लिया है इसको। अभी इसमें एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। तो इसमें अभी हम मैदा और अरारोट दोनों चीज़ डाल देंगे। तो मैंने 1 चम्मच फ़िलहाल मैदा डाली और 2 चम्मच अरारोट डाल रही हूँ, और अभी इसमें और रिक्वायरमेंट होगी तो और डालेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे यस स्वाद अनुसार, और 1/4 टीस्पून हल्दी, जिससे कि कलर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह दबाते हुए, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, मिक्स हो जाए, क्योंकि इन्हें हम जब फ्राई करें तो ये फूटें नहीं, मतलब। तो अच्छे से दबा के इन्हें हम मिक्स करेंगे पूरा निचोड़ के। मैं अपने लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, राइट हैंड में मेरे थोड़ी चोट लगी तो इस वजह से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और थोड़ा अगर ड्राई रहता है तो हल्का सा इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिलाया, लेकिन थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो हल्की सी कुछ बूंद है बिल्कुल पानी की छिड़कूंगी इस पर, ताकि अच्छे से कोट हो जाए ये, बस गीला ना हो, बस कोट हो केवल। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, अभी इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ना गीला है ना सूखा है, अच्छे से कोट भी हो गया है। तो अभी चेक कर लेंगे ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है नहीं, हमने ऑयल गर्म कर लिया है। तो ये देखिए अच्छे से गर्म हो गया है, तो अभी इनको हम फ्राई करेंगे थोड़ी थोड़ी डाल के। तो इसमें मैं ये डाल दूंगी और फुल फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे अच्छे से फ्राई, और इसको हम ढक देंगे थोड़ा डालने के बाद, क्योंकि कॉर्न है उछटने लगते हैं तो कहीं फेस पे ना आ जाए, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा ढक देंगे, कवर कर देंगे। ये देखिए अभी फ्राई हो रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा कोई कोई फूट रहा है, तो इसलिए मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। फ्राई हो जाएंगे थोड़े तो फिर कवर हटाएंगे इसका। इसकी जब आवाज़ बंद हो गई चटकने की, तब मैंने कवर हटा दिया इसका। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए, तो इनको हम निकाल लेंगे, एकदम क्रिस्पी हो गए ऊपर से। बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि उछलते बहुत ही ज़्यादा चटक चटक के। प्लेट में निकाल लिया है मैंने। वैसे ही सारे जो हमारे बचे हुए हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान से ही फ्राई करें, जब भी करें। इसको एक बार मैं चला दूंगी अच्छे से और फिर इसको ढक दूंगी, कवर कर दूंगी। इसी तरीके से आप फ्राई करें। तो ये भी सारे बचे हुए फ्राई हो गए, इनको भी निकाल लेंगे। तो अभी इसको हम तड़का लगाएंगे चाइनीज स्टाइल में, एकदम होटल स्टाइल। तो अभी मैंने क्या किया, एकदम हल्की कढ़ाई ले ली है, एकदम जिसमें हम चाइनीज बनाते हैं, एकदम हल्के तले की कढ़ाई ले लें कोई भी। और इसमें मैं 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन और फुल फ्लेम पे बनाएंगे। लहसुन डाल दूंगी और मैंने 1 प्याज ली है मीडियम साइज की, उसको बारीक चॉप किया हुआ है, और 3 से 4 हरी मिर्ची हैं, इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। फुल फ्लेम पे ही करना, मीडियम फ्लेम पे नहीं करना, फटाफट फटाफट। तो अच्छे से ये फ्राई होगी। इसमें अभी हम काली मिर्ची डालेंगे 1/2 टीस्पून, और 1 चम्मच मैंने आधी छोटी चम्मच मतलब शेजवान सॉस लिया है। आप इसकी जगह अगर टमाटो
केचप भी डाल सकते हैं और चिल्ली दोनों मिक्स करके। और इसमें एक छोटी चम्मच ही मैं विनेगर डालूंगी, या आप नींबू का रस हो तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। इसके बाद जो मैंने धनिया काट के रखा है थोड़ा सा, हाफ कप के लगभग, वो डाल दूंगी। और इसको मिक्स करके फाइनली इसमें हम अपने कॉर्न डालेंगे और इनको मिक्स कर देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया मज़ेदार कॉर्न बन के, तो ये देखिए एकदम बढ़िया कॉर्न हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो अभी इनको हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये देखिए हमारे फ्राइड कॉर्न बन के तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।